alaikum. Hello everyone. Good morning. How are you all? All of you are fine and safe at home, because we should stay at home, safe at home. Today's my topic is concepts. आज मैं आपको concepts के बारे में बताने लगी हूँ, और मेरा आज का concept है tall, short, big and small. Tall and short में जो difference होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि tall means लंबा. जो चीज़ अपनी लंबाई में होती है, जो चीज़ ऐसे हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन टाइप की नज़र आएगी या ऐसी रेक्टेंगल शेप में नज़र आएगी, किसी भी तरीके से जो लंबाई की तरफ होगी उसको हम कहते हैं टॉल, और जो थोड़ी सी विथ में छोटी होती है उसको कहते हैं शॉर्ट. लाइक आप अपने आई गिव यू एन एग्जांपल अबाउट योर फादर, दैट इज़ आप अपने पापा को देखें, पापा को कहें कि पापा आप जो हैं वो टॉल हैं. क्यों? पापा को अपने साथ खड़ा करते हैं, आप अपने साथ खड़ा करके आप खुद भी खड़े होते हो, तो उसमें से पापा जो है वो है हमारे टॉल. और जो बेबी है, यानी कि आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो स्मॉल बेबी हैं, उनको हम कहेंगे शॉर्ट. इसी तरह से यहाँ देखें, ये बिल्डिंग्स हैं मेरे पास दो, इन बिल्डिंग्स में से एक बड़ी है और एक छोटी है. लाइक बिग एंड स्मॉल, बिग वन स्मॉल वन, दिस बिल्डिंग इज बिग वन एंड दिस बिल्डिंग इज स्मॉल वन. I have an other example about tall and short. This uncle is a tall one and this uncle is short one. This uncle is tall and this uncle is short. I have another example about tree. This tree is tall and this tree is small, short. You can say that it's small tree, teacher. Yes, it's true, it's small tree and this is a big one. You can say it a big one and tall, a short one. I have some other examples about tall and short. I have some other examples about tall and short. This is my tall tree and this is my short tree. ये देखिए, ये मैंने एक बड़े वाला tree बनाया था और एक मैंने छोटे वाला. अब आपको खुद मैंने बताया कि जो हमारा, आप इस tree को tall one भी कह सकते हैं और इसके अलावा इसको आप big one, big भी कह सकते हैं. वो चीज़ जो थोड़ी सी लंबाई होती है उसको हम टॉल कहते हैं, और जो थोड़ी विड्थ में छोटी होती है उसको हम शॉर्ट कहते हैं. इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने आपको बॉल्स के लिए दी है. ये देखिए जरा, ये कौन सी बॉल है? बिग वन. ये कौन सी बॉल है? बिग वन. और ये कौन सी बॉल है? स्मॉल वन. मेरे पास एक बड़ी वाली बॉल है और एक छोटे वाली बॉल है. आपके पास आपने टू बॉल्स लेनी है, एक बड़ी वाली बॉल लेनी है और एक छोटे वाली बॉल लेनी है. और मम्मा को बताना है, मम्मा को ये डिफरेंस बताना है, मम्मा ये बड़े वाली बॉल है और ये छोटे वाली बॉल है. आपको जब बिग एंड टॉल का या बिग एंड स्मॉल या टॉल एंड शॉर्ट का आपको जब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपको और ज़्यादा आप डिफाइन करने की बहुत मजा आएगा. लाइक आप पापा को बोलते, पापा यू आर टॉल एंड आई एम शॉर्ट. पापा यू आर टॉल एंड आई एम शॉर्ट एंड आई हैव बिग बॉल एंड पापा यू हैव स्मॉल बॉल. मम्मा आई हैव बिग बॉल, यू हैव स्मॉल बॉल. तो आप इस तरह से बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट का डिफरेंस जो है वो कर सकोगे. होप कि आपने आज का कॉन्सेप्ट की वीडियो जो है उसको लाइक किया होगा और उसको इंजॉय भी किया होगा. आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. बाय बाय.